खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिला उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, जहां बाघ के हमले से एक व्यक्ति बुरी तरह घायल कर दिया। घटना बीट पनपता के अंतर्गत RH 428 है। थाना क्षेत्र इंदावर के ग्राम कुशमाहा निवासी राम सोहावन पिता मिट्टू बेगा उम्र लगभग 45 वर्ष, जो सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास महुआ बीनने जंगल गया हुआ था, जहां बाघ पहले से ही झाड़ियों में ही घात लगाए बैठा था। इसके पहले घायल कुछ समझ पाता, बाघ ने हमला कर दिया। घायल की चीख पुकार जब आसपास के मौजूद लोगों ने सुनी तो घायल को बचाने दौड़ पड़े। ग्रामीणों के पास आता देख बाघ घायल को वहीं छोड़ भागा, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन अमले को दी, जिसके बाद विभागीय स्टाफ और वाहन की मदद से घायल को जिला अस्पताल उमरिया में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर दिया गया, जहां इलाज जारी है। घटना के संबंध में बांधवगढ़ नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर शुक्ला जी का कहना है, बांधवगढ़ रिजर्व टाइगर क्षेत्र कोर एरिया को लेकर हर गाँव में मुनादी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है कि कोर एरिया की ओर ना जाएं। वन प्राणी अपने कोर एरिया में विचरण करते हैं, कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन ग्रामीण जनों ने विभाग की मुनादी की बातों पर ध्यान ना देकर वो अक्सर जंगल की ओर रुक कर जाते हैं और वन प्राणी के शिकार हो जाते हैं। आज सुबह की घटना, सुबह 6:30 बजे के आसपास, ये राम सुहावन बैगा ग्राम कुशमाहा का है। ये जो है महुआ बीनने के लिए गया हुआ था, तो बीट पनपथा RH 428 में वहाँ बाघ कहीं बैठा हुआ था झाड़ियों के बीच में, और ये वहाँ पहुँच गया, जिससे बाघ ने जो है इसके ऊपर हमला कर दिया। और वहाँ पे और भी कुछ ग्रामीण थे, तो शोरगुल मचाया, जिससे बाघ जो है उसको छोड़ दिया। और फिर जो है हम लोग मौके पर पहुँचे और इसको उठा करके वाहन से लेकर यहाँ आए जिला चिकित्सालय उमरिया में। अभी इसको भर्ती कराया है और इसका उपचार लगातार अभी जारी है। इसको 3-4 जगह गंभीर चोटें आई हैं, जहाँ पर टाँके लगाए गए हैं, और डॉक्टर प्रजापति ने अटेंड किया था और उनके सलाह पर अभी एक्सरे भी कराएंगे। वर्तमान में स्थिति कैसी है? अभी स्थिति इसकी ठीक है, पर घाव इसके गंभीर हैं। उमरिया से नीरज सिंह, रघुवंशी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।